गए कि ठाकुर जी आप लीला परंपार है, आप वास्तव में भक्त जो चुनते हैं। नारद जी साग थांगिरे और कहें, नारद जी एक आपको कहानी और बताते हैं, आप सब जानते हैं, सुने हैं, सब पढ़े हैं, सब कथा बताते हैं। नारद जी मैं बताइए, आप राम राम करते हैं कि हाँ प्रभु? कहें चलो क्षीर सागर, कहें ठीक चलते हैं महाराज जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब चल दी, पूरे देवी देवता आकर के जैसे हमारे आनंद जी वीडियो बना रहे हैं, हमारा वाणी सबको सुना रहे हैं। नारद जी के, नारद जी एक कटोरी में तेल लीजिए और तेल लेकर के राम राम करते चलिए क्षीर सागर से। तो नारद जी एक शब्द राम राम नहीं बोले, वहीं पे बैल खड़े नीचे कलयुग में जो है मृत लोक में बैल और बालक माता पिता सब थे। तो नारद जी का, महाराज जी बताओ हम लोग गए थे, वो बालक दरवाजा नहीं खोला और माता पिता सेवा कर रहा था और बैल को रोटी खिला रहा था, वो बड़ा है कि आप बड़ा बताए? अब आप तेल जो है बड़े भाव से तेल देख रहे हैं, आपका राम राम छूट गया, आपका राम राम। जैसे आप आए तो हम कहें कि आपको देख करके, हम कहें महाराज जी भाई समय नहीं आप जाइए, कितना बड़ा पाप लगा भाई, हमारे भक्त आए, अब आपके सामने गायें नाचे गदगद हो गए, अब पसीना तो अपने जगह में, भाव अपने जगह में है, लेकिन जो गायें, तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए कि देखो भाई भक्त नारद जी ये परम भक्त है, मृत लोक का बालक, हम कहीं भी नहीं गुरु का भजन न छूटे, गुरु का चाहे कितनी गर्मी रहे गुरु का भजन करें, गुरु की माला जपें, गुरु का कीर्तन करें, ये तीन चीज पकड़ लें, माता गुरु और संत। भाई उसको कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये ने चराचरम, ठाकुर जी अनंत हैं, तद पदम दर्शितमीन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठाकुर जी अनंत हैं, माता पिता अनंत हैं। हम सोचे माता से झगड़ा करें, जैसे कहते हमारे माता जी की जो सास हैं, अब कहते भाई सास जी हमें झगड़ा करती हैं, करने दीजिए, हमें राम हृदय महाराज जी का भजन करना है और चित्रकूट जाए तो प्रणाम करें, कोशिश करें माता जी आप चले, तो माता जी कहेंगे कि तू चले जा, बताइए घर द्वार की देखी, कहते माता जी हनुमान जी को छोड़ दीजिए, हाँ उनको ले करके चले ना तो और भक्ति मिलती है। एक हमारे चेला है ग्वालियर के, वो जब आते हैं, कल आए थे परसों, तब माता पिता उनको यहाँ बैठे थे और दोनों चेला आकर चेला चलाएं, पैर हमने भाई पैर नहीं, तो रोने लगे गुरु जी बहुत दिन बाद 3 साल बाद आए हैं, हमने कहा भाई पैर क्यों दाब रहे हैं, पहली बात तो तिलक नहीं लगाया है, दूसरा तू कंठी तोड़े है और हमारा तो पैर छूद है, भगा देखा हम तो से सोना चांदी पैसा मांगे नहीं आए, तो हमसे मिले आया है, लेकिन तू भजन करा और भजन खा दी तो अब तू बताओ पागल होकर भागत रहे, हनुमान धारण तपस्या करत रहे, तुहका मंत्र दहन तुम्हारा दिमाग ठीक होगा, तो राम राम का मंत्र दहन का आने में आवाज तू बतावा आए कि पैंट पहने मोजे के गुरु जी मैं आ गया हूँ, हम कहें तू नहीं आया तुम्हार पूरा अहम आ गया, अब तू सामने गुरु जी मैं आ गया, मानो अब थोड़ा शरीर मोटे है ये हैं, तब भाई लचका ना, तो माता जी दाखिल देखो हम बच्चे झुक के माता पिता दौड़ के प्रणाम कीजिए, महाराज जी इस बालक के दिमाग नहीं है, हम कहें भाई अपने भाव से बिगड़ रहे, मान नहीं अपने भाव से कह रहे हैं भाई तिलक होना गुरु है, आप घर भी करें नहीं हमारे पास आए, हमने कहा तो हम जब प्रभु कीर्तन 24 घंटे गाएंगे, हनुमान जी क्यों नहीं आए, सीता हनुमान इस जिह्वा से उड़ते आनंद आनंद नहीं आप ये भाई हर जगह घूम, हमारी आत्मा हनुमान जी के पास है, हम जाए बन गया है गुरु जी
जी कहीं कर ले अब ऐसे।